लोकसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली में दिखने लगी कांग्रेस की कलह। प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के खिलाफ आखिर किसने खोला मोर्चा? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित को दिल्ली की कमान सौंपकर बड़ा दांव खेला था। हालांकि इस दांव से कांग्रेस को कोई फायदा तो नहीं हुआ और पार्टी को सभी 7 सीटों पर हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब इस बार हार के साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव 2019 में दिल्ली में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी की अंदरूनी कलह अब दिखने लगी है। ये कलह जमीन पर उस वक्त खुलकर दिखा जब पार्टी के एक सीनियर नेता पुरुषोत्तम गोयल ने शीला दीक्षित को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर दी। पुरुषोत्तम गोयल ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की करारी शिकस्त मिली है, लिहाजा उन्हें पद से हटाया जाए। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को लिखी अपनी चिट्ठी में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम गोयल ने शीला दीक्षित को उनके पद से हटाए जाने की मांग की। साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव किसी नए चेहरे के साथ लड़ने का सलाह भी दिया। अपनी चिट्ठी में गोयल ने कहा है, शीला दीक्षित 3 लाख से ज्यादा वोटों से हारी हैं। इस बार वो पार्टी की हार की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। वो अपनी उम्र की वजह से जमीन पर सक्रिय नहीं हो सकी और पार्टी का नेतृत्व भी नहीं कर सकी। वो विधानसभा चुनावों में एक आपदा साबित होंगी। इससे इतर उन्होंने कपिल सिब्बल और योगानंद शास्त्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस इन दोनों में से किसी एक नेता का चेहरा सामने लेकर आ सकती है। उधर पुरुषोत्तम गोयल के बयान को लेकर शीला दीक्षित का बयान भी सामने आ चुका है। शीला ने कहा है, ठीक है, ये उनकी राय है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर दीक्षित और पीसी चाको में गंभीर मतभेद है। शीला दीक्षित गठबंधन के खिलाफ थी तो पीसी चाको चाहते थे कि गठजोड़ हो जाए। आखिर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन परिणाम उनके उम्मीद के मुताबिक नहीं आ सके, जिसके बाद पार्टी प्रदेश इकाई में सब कुछ ठीक नहीं है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।